बर्तन धो लिए तुमने? हाँ हाँ धो रहा हूँ बर्तन यार, 5 साल हो गए साला, इसने मेरे को तो सीना तबाह कर दिया। कभी बर्तन धुलवाती तो कभी चाय तो कभी खाना बनवाती है, कुछ ना कुछ करवाती रहती है, खुद तो बैठ के खींचती रहती। क्या बोला तुमने? अरे नहीं नहीं बेबी, तुम्हारे बारे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। बोलते भी कैसे तो? तीन बजे को तो झाड़ू का नाम नहीं लेती, हनीमून होती वो तक। अभी तो साला क्या की कुछ दिन पहले बोले क्या बेबी चलेंगे डेट पे, हाँ तो मैंने कहा ठीक है चलेंगे। डेट के नाम पे ना इसने मुझसे ना जितनी सारी शॉपिंग की, मुझे तो झोला मैन बना। और इसके साथ साथ कभी कभी बोलती है कि डेट पे जाएंगे तो मैं दिन रात खाली मार्केट जाता हूँ आता हूँ, मार्केट जाता हूँ आता हूँ। क्या लेने? संडास कभी सफा करने का सामान, तो कभी ब्रश, तो कभी झाड़ू लेके आओ, तो कभी सब्जी लेके आओ। मुझे साला इसने सर्वेंट यानी नौकर बना के रख दिया। मैं पति हूँ इसका, सर्वेंट नहीं। इसको ये निकम्मे पति, तुम मेरी तारीफ कर रही हो बुराई। तुम्हारे बारे बात नहीं कर रहा हूँ, एक बगल वाली है ना, उसका हस्बैंड अपनी वाइफ बहुत काम करवाती है, इसीलिए उसी के बारे बात कर रहा। बेचारी के साथ ना बुरा हुआ। हाँ बेबी, उसने कभी नहीं पूछा कि मुझे क्या पसंद है, हर समय सिर्फ अपनी ही पसंद चला। बेब तुम्हें क्या पसंद है खाने में? मुझे बिरयानी पसंद है। ठीक है तो जाओ मार्केट और चिकन लाओ और बना के खिलाना। की माँ का क्या हो गया? कैसी वाइफ है रे ये? खत्म। कैसी वाइफ है ईश्वर, कैसा वाइफ मेरे को? बाय बाय टाटा गुड बाय गया। ये खत्म से खत्म वाइफ है, ऐसा वाइफ से शादी नहीं करने का, मैं तो जिंदगी झंड कर देने का। देखिए दोस्तों, शादी ना करें, शादी से बचे। और बेबी पर भरोसा ना करें। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।